संविधान में जो हमारा हक है वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। संविधान में जो हमारा आज यानी 7 जुलाई को 2 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया यूसीसी के खिलाफ, और बंद का आह्वान करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले आदिवासी थे। कई आदिवासी संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया और राजभवन में ज्ञापन सौंप करके इस बिल का पूरी तरह से विरोध किया है। यूसीसी के खिलाफ रोड पर उतरे आदिवासी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरी साइड में जो चल रहे हैं शॉर्ट्स, ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा और यूसीसी का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी आदिवासी समाज ने आज पूरे दिन का बंद का आह्वान किया था। यूसीसी के विरोध में आज 7 तारीख को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले एकजुट हुए रायसेन जिले के आदिवासियों ने शुक्रवार को 2 मुद्दों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक मुद्दा जिले के आदिवासी समाज ने समान नागरिक संहिता लागू का विरोध किया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में आदिवासियों ने बताया है कि विविधता में एकता ही हमारे देश की प्रमुख विशेषता है। देश में 705 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति ट्राइबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। आदिवासी समाज अपने विवाह, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकारी, विरासत, गोद लेने के मामले में सदियों से चली आ रही प्रथा के तहत करते चले आ रहे हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। इस कानून से आदिवासियों के रीति रिवाज कमजोर होंगे और मात्र सत्तात्मक व पितृसत्तात्मक दोनों के ही ढांचे में खलल पड़ेगा। बड़ी बात है, यानी माँ की तरफ से जो रिश्ते होते हैं और बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा, वो टूट जाएंगे। आदिवासियों ने बताया है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से उनके अधिकारों का हनन होगा, उनकी धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। भारत सरकार आदिवासियों से उनके जंगल और जमीन छीनना चाहती है ताकि इन जमीन के नीचे छिपे खनिज और अन्य संस्थानों को आसानी से बेचा जा सके। इन आदिवासियों ने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि समान नागरिक संहिता कानून लागू ना किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो आदिवासी समाज अपनी पहचान खो देगा और पूरी तरह से मिट जाएगा। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समाज नागरिक संहिता के विरोध में राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठन द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का विरोध हम पुरजोर तरीके से करेंगे। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में इकट्ठा होंगे और इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे, इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार अलग अलग कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। अब भी देश में चुनाव आने वाले हैं, जब भाजपा इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके कई तरह की चीज़ें सामने लाती है, लेकिन वे भूल जाती है कि ऐसे कानून लागू होने की वजह से आदिवासियों के कई अधिकार छिन जाएंगे। आदिवासियों की जमीन भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 244 पेशा कानून, CNT, SPT एक्ट, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार है, वे समाप्त किया जाएगा। इसके फलस्वरूप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा, आदिवासी भाषा, संस्कृति, प्रकार, प्रथागत रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट करने का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना उचित नहीं है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि विरोध की वजह क्या है। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। आदिवासियों को डर है कि इससे उनकी परंपराओं को खत्म कर दिया जाएगा। अलग अलग आदिवासी समुदाय में अलग अलग परंपरा है। जैसे आदिवासी समुदाय में पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं, कहीं कहीं एक महिला के कई पुरुषों से शादी का भी रिवाज है। कुछ आदिवासी समुदाय में मात्र सत्तात्मक सिस्टम है। मात्र सत्तात्मक का अर्थ है बेटी को संपत्ति का वारिस बनाना। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से आदिवासी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि इसमें आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अगर इसको लागू किया जाता है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी, लिख लीजिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।